श्रीमान बेताल, श्रीमान बेताल, आप ठीक तो हैं? यहाँ मेरे मित्र का शरीर तीर से घायल हो गया और आप पूछ रहे हैं राजन कि मैं ठीक तो हूँ? वो तो अच्छा हुआ कि उस वैद को थोड़ी बहुत विद्या आती थी और उसने अपनी उस विद्या का प्रयोग करके विक्रम की रक्षा कर ली, वरना वैजी। बेटे, मैं जितना उपचार कर सकता था मैंने कर दिया, अब बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि तीर का विष इनके सारे शरीर में फैल चुका है। तो विष का प्रभाव कब खत्म होगा और इन्हें होश कब आएगा? प्रातः काल तक इन्हें होश आ जाना चाहिए। यदि होश न आए तो इनके सगे संबंधी को सूचित कर। महाकाल, जीवन मृत्यु सबको अपने वश में रखने वाले महाकाल, हमारी भी पुकार सुन लीजिए। हमारे आंचल में हमारे सुहाग का जीवन डाल दीजिए, डाल दीजिए। हे विधाता, मैं तुझसे भिक्षा मांगता हूं, मेरी जान बचाने वाले देवदूत को बचा ले। हे महाकाल, हमारी हथेली पर ये दिए तब तक जलेंगे जब तक कि हमारे सम्राट आकर फिर से हमारी मांग में सिंदूर नहीं भर देते और हमें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दे देते। अन्यथा इन्हीं दियों की ज्योत को हम अपनी चिता की ज्वाला बना देंगे। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षये मान्दतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। हे महाकाल, ये कैसा नाम है? ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। महारानी, राहु काल टल चुका है, सम्राट का जीवन अब बिल्कुल सुरक्षित है। जय हो महाकाल, जय हो। वैजी, वैजी। अरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए आराम से। नहीं वैजी, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। मृत्यु के मुंह से किसी को वापस लौटते देखना मेरे लिए तो पहला अनुभव। कभी कभी जो औषधि नहीं कर सकती वो आराधना कर जाती है। अवश्य ही आपका जीवन प्रार्थना और आराधना का ही फल है। कहना नहीं चाहिए फिर भी कहते हैं, हम आभारी हैं आपके प्रेम के, आपके समर्पण के और आपकी निष्ठा के। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। खुश रहो, हम पास के जंगल से कुछ औषधि लेकर आता हूं। नामदेव, ये जीवन आपकी ही देन है, मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। ऋणी तो हम आपके रहेंगे। अपने जीवन की चिंता ना करते हुए आपने हमारे जीवन की रक्षा की, किंतु नामदेव आप अभी भी संकट से मुक्त नहीं हो। सैनिक आपको अभी भी खोज रहे हैं। वे मुझे खोज कर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इस राज से मेरा मन उठ चुका है। मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, कहीं नहीं तो जंगल में ही चले जाएंगे, परंतु इस राज्य में कभी वापस नहीं आएंगे। कहीं और जाकर तो राजा से बच जाए, पर काल से नहीं। और काल से बचने का एक ही उपाय है, उस समस्या का अंत हो जिसके कारण तुम्हारे जीवन पर यह संकट आया है। नामदेव, नामदेव जी। सम्राट, आपके मृत्यु दंड का कारण क्या, क्या अपराध किया था आपने? मेरी जानकारी में तो कुछ नहीं, परंतु वे मुझे विश्वासघाती कह रहे थे, रानी को छुपाने की बात कर रहे थे। अब एक काम कीजिए, ब्यास नदी के तट पर अपनी माता श्री के साथ हमारी प्रतीक्षा कीजिए, हम आपको वहीं मिलेंगे। जी सम्राट। श्रीमान बेताल क्या हो गया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चलिए राजन, उज्जैनी चलिए। आम का मौसम आ गया है और मैंने सुना है उज्जैनी के आम बड़े मीठे होते हैं, हम दोनों मिलकर खाएंगे। और सोचिए ना, उज्जैनी की प्रजा आपको देखकर कितनी प्रसन्न हो जाएगी, और महारानी वल्लरी वो तो गद गद हो जाएंगी। चलिए चलिए उज्जैनी चलते हैं, घोड़ा निकालते हैं। नहीं श्रीमान बेताल, अभी ना तो आपकी परीक्षाएं पूरी हुई और ना ही मेरा संकल्प, और जब तक ये पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं आम नहीं खाऊंगा। इसीलिए तो मैं चुप। मैं क्या मूर्ख हूं जो आपकी परीक्षाएं ले रहा हूं? आपकी मैं दादी या नानी हूं जो आपको कहानियों पे कहानियां सुना रहा हूं? मैं अब ये सब कुछ नहीं करूंगा। मैं समझा नहीं। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। भूल जाइए ये सब कुछ राजन, भूल जाइए ये सिंहासन, भूल जाइए ये परीक्षाएं, भूल जाइए मुझे, बस कहानी खत्म। बेताल, तुम पुनः अपने पंथ से भटक रहे हो, तुम्हें इसका कठोर दंड मिलेगा। नहीं, वो मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। श्रीमान बेताल कहाँ हैं आप? अरे यहाँ हूँ राजा बोर्ड, यहाँ देखिए खेल हो गया है। कहाँ हैं? आपकी आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन आप नहीं दिखाई दे रहे। अरे यहाँ देखिए ना। श्रीमान बेताल, आपने अपना कद छोटा क्यों कर लिया? ये मेरी शक्ति है, मैं अपनी शक्ति से अपना कद कितना भी छोटा कर सकता हूँ और कितना भी विशाल काय। मुझ में बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया राजा बोल। एक एक करके निकालता हूँ, कभी मैं शेर भी बन जाता हूँ, और जब मैं शेर बन जाता हूँ तो फिर आस पास कोई दिखाई नहीं देता। आप ये सब छोड़िए, आप सुनिए आगे क्या हुआ। अवश्य। मैं बड़ी कथा आपको छोटे कद से सुनाऊंगा। कैसे बचकर गया वो घुड़सवार? क्षमा करें महाराज, वो हमारे हाथों से बचकर अवश्य चला गया है, पर काल के हाथों वो नहीं बचेगा। हमने तीरों से पूरी तरह उसे भेद दिया है। राजन, परोपकार की रक्षा के लिए मेरे मित्र विक्रमादित्य अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया, और नामदेव का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति देने से भी नहीं चूके, और रुद्र प्रताप के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। सेनापति, उसका पकड़ा जाना महत्वपूर्ण था, उसका जीवित होना या मृत होना नहीं। यदि तुम लोग उसको पकड़ लेते तो नामदेव के उस षड्यंत्रकारी साथी से हम महारानी का पता लगा सकते थे। महाराज, महाराज, हमने ही महारानी की सुरक्षा कर्मी नामदेव के जीवन की रक्षा की।
चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य आप? हाँ, आपके जैसा धर्मिष्ठ, चरित्रवान, उदार और परोपकारी राजा, और आपने किया ऐसा षड्यंत्र? नहीं, नहीं, तो इसे और क्या कहेंगे? मानवता, मानवता महाराज, और इसी की खातिर हमने एक निर्दोष का जीवन बचाया, ताकि राज धर्म का दंड विधान प्रश्नों के घेरे में खड़ा ना हो। और अब अगर आपकी अनुमति हो तो एक सम्राट एक महाराज से प्रश्न पूछना चाहेगा। कैसा प्रश्न? नामदेव के मृत्यु दंड का प्रश्न। इतने कठोर दंड का कारण क्या था? उसका विश्वासघात, उसका छल, उसकी बदनीयति। जिस स्थान ने उसको समाज में सम्मान दिया, उसी स्थान का उसने सर्वनाश किया। अपहरण किया है उसने हमारी महारानी का, अगवा करके ले गया है वो हमारी अर्धांगिनी को। किंतु महाराज, इस बात को आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि महारानी का अपहरण नामदेव ने ही किया था? इसका कोई ठोस प्रमाण, कोई साक्ष्य है आपके पास? हाँ है, और ठोस प्रमाण है। क्या है? नामदेव महारानी रागेश्वरी का निजी अंगरक्षक था। कल की ही बात है, महारानी नाग देवता की पूजा करने हेतु नाग मंदिर के लिए जा रही थी। महाराज, आप निराश ना हो, हमारी नागदेव की पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। नागदेव की कृपा से हमें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। नागदेव के प्रति आपकी निष्ठा ने अब हमें भी आशाओं से भर दिया है। हमारी संतान बेल बढ़ेगी, हम भी अब निसंतान नहीं रहेंगे। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। नाग मंदिर जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जाइए महाराज। और उसके बाद आरती प्रारंभ होते ही जो अनर्थ हुआ, हम आपसे उसका वर्णन भी नहीं कर सकते सम्राट। ऐसा क्या अनर्थ हो गया महाराज? हे नाग देवता, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हमें मां बनने का गौरव प्रदान कर हमारे व्रत को सफल कीजिए। आपका व्रत अवश्य पूरा होगा महारानी, आप अवश्य मां बनेंगी, किंतु नागदेव की कृपा से नहीं, हमारी कृपा से। चलिए हमारे साथ। नामदेव, हमारा हाथ छोड़ो, होश में आओ। दासियों, सैनिकों को बुलाओ। आदेश नहीं महारानी, अनुरोध कीजिए, क्योंकि आदेश अब हमारा अधिकार है और उसका पालन आपका। और हमारा आदेश यह है कि अभी आप हमारे साथ चलेंगे। ये हमारे वही विश्वासपात्र सैनिक हैं जिन्होंने कल उस कुटिल को रोकने की कोशिश की थी। नामदेव का वैसा भयानक रूप हमने आज तक नहीं देखा सम्राट। और सम्राट, ना जाने उसमें इतनी शक्ति कहां से आ गई, हम लोग मानो उसके सामने चीटी थे। बोलिए, क्या आप भी, आपको कोई प्रमाण चाहिए, कोई साक्ष्य चाहिए उसके विरुद्ध? महाराज, कभी कभी रस्सी को देखकर भी सांप का भ्रम हो जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि नामदेव निर्दोष है। मुझे आपकी इस बात से दुख कम और आश्चर्य अधिक हो रहा है कि आपके जैसा गुणी व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है। नामदेव के समर्पण को, उसके कर्तव्य परायणता को आप देख भी नहीं पा रहे। महाराज, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे आने तक नामदेव को दंडित करने का अपना यह निर्णय स्थगित रखेगा। आशा है कि आप मान रखेंगे हमारे अनुरोध का। ठीक है, हम आपके आने तक प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद। और महारानी रागेश्वरी के स्वागत की भी तैयारी करके रखेगा। विक्रमादित्य, काल को जाल में फंसाकर, काल के क्रोध की अग्नि कुंड में
स्वयं की आहुति बन रहा है तू। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा विक्रमादित्य। अपना भला चाहता है तो मुक्त कर मुझे, जाने दे नामदेव के पास विक्रमादित्य। कहां से आ रहे हैं सम्राट? हमारे महाराज रुद्र प्रताप से मिलकर। तो उन्होंने मेरे अपराध के बारे में कुछ बताया? हाँ। क्या बताया? कल नाग मंदिर से महारानी रागेश्वरी का अपहरण तुम्हीं ने किया था। नहीं सम्राट, ये सरासर झूठ है। मैं अपनी महारानी का अपहरण क्यों करूंगा? कल तो मैं राजमहल गया ही नहीं था नौकरी पर। हाँ सम्राट, ये सत्य कह रहा है। ये कल मेरे पास ही था। ये क्या कह रहे हो तुम? तो फिर नाग मंदिर में महारानी के साथ कौन था? कौन था जिसने तुम्हारा वेश धारण करके सभी को धोखे में रखा? किसी पे कोई संदेह या फिर ऐसी कोई घटना जिससे अपहरण के संकेत मिले? याद करो नामदेव, कुछ याद आया? हाँ सम्राट, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है नामदेव? सम्राट, महारानी नागदेव की पूजा करने के बाद जब आरती आरंभ करती थी तो एक सर्प आता था और एकटक उन्हें देखता रहता था। पहले तो मैंने साधारण सी बात समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया, परंतु जब वो प्रतिदिन आने लगा तो एक दिन मैंने द्वार पर ही उसका रास्ता रोक लिया। रुको, कौन हो तुम और क्यों आते हो प्रतिदिन यहाँ? युवक, छोड़ मेरा मार्ग और मुझे जाने दे। बिना परिचय जाने नहीं दूंगा। परिचय चाहिए? हाँ, क्योंकि मैं महारानी का निजी अंगरक्षक हूं। नादान युवक, मैं तक्षक नाग हूं, विषधर तक्षक नाग। अपना हित चाहता है तो हट जा मेरे रास्ते से। क्षमा करना, मेरा कर्तव्य हटना नहीं, काम पर डटे रहना है और उस बाधा को रोकना जो महारानी की नाग देवता की पूजा में विघ्न उपस्थित हो। इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तेरा ये दुस्साहस कि तू तक्षक को रोके? यदि मैं चाहूं तो तुम्हें अभी यही अपने विष से जलाकर भस्म कर सकता हूं, लेकिन यहाँ इस स्थान पर ऐसा करना नाग देवता का अपमान होगा। इसलिए ऐसा नहीं करूंगा, किंतु तुम्हें दंड अवश्य दूंगा, और ऐसा दंड दूंगा कि भविष्य में संसार तक्षक का मार्ग रोकने की मात्र कल्पना भर से भी कांपेगा, मात्र कल्पना भर से। इसका अर्थ है कि तक्षक नाग के साथ तुम्हारी बहस हो गई। हाँ सम्राट, समझ गए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.